नमस्कार, ग्लोबल हेराल्ड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं कृतिका जैन और आइए नजर डालते हैं अभी की ताजा खबरों की ओर। मामला इंदौर का है जो भोपाल तक पहुंच गया है। एक कांग्रेस नेता ने दूसरे कांग्रेस नेता पर आरोप लगाया है कि वह उसकी बीवी लेकर भाग गया। पार्टी ने मामला डीआईजी के पास भेज दिया है। कोशिश की जा रही है कि मामला सुर्खियों में आने से पहले ही दब जाए। मामला इंदौर के भवरकुआ थाना क्षेत्र का बताया गया है। कुछ दिनों पहले एक कांग्रेसी नेता की पत्नी अपने दो बच्चों के साथ गायब हो गई थी। तब से ही कांग्रेस नेता अपनी पत्नी की तलाश कर रहा है। सीसीटीवी फुटेज चेक करने पर उसे पता चला कि उसकी पत्नी एक अन्य कांग्रेस नेता के साथ बाइक पर सवार थी। आरोप है कि वही कांग्रेस नेता महिला को भगा ले गया है। पीड़ित कांग्रेस नेता का कहना है कि भवरकुआ थाने को इसकी जानकारी दी थी, परंतु उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। वह शिकायत लेकर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय आए थे। पीड़ित कांग्रेसी नेता को भोपाल से इंदौर डीआईजी रुचि वर्धन शर्मा के पास भेजा गया है। पीड़ित नेता की मांग है कि उसकी पत्नी उसे वापस दिलाई जाए। बताया जा रहा है कि आरोपी कांग्रेस नेता सेवा दल का पदाधिकारी है और एक जिम्मेदार महिला कांग्रेस नेता से जुड़ा हुआ है। अभी की खबरों में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए ग्लोबल हेराल्ड न्यूज के साथ। धन्यवाद।